गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे। वेलकम टू रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी, आपका सब्जेक्ट। चैप्टर का नाम है मामा का पत्र सुरेश के नाम। देखिए, सत्रह नेहरू नगर कानपुर, दिनांक जो भी दिनांक तुमने डाली होगी। प्रिय सुरेश, प्रसन्न रहो, कल तुम्हारा पत्र मिला। हमें ये जानकर बड़ी चिंता हुई कि तुम्हें पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा है। देखो, इन दिनों सभी ओर मलेरिया फैल रहा है, अतः उससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है। इन मच्छरों के पंखों पर काले काले दाग होते हैं। ये चुपचाप हमारे शरीर पर बैठ जाते हैं और अपनी सूंड से हमारी शरीर में मलेरिया के कीटाणु छोड़ देते हैं। ये मच्छर गंदे जल में पैदा होते हैं। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों को नष्ट करना बहुत जरूरी है। हमें घर के आसपास एवं गली में गंदा जल इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यदि कहीं सीलन हो और गड्ढे में जल भरने लगे तो उसमें उसे कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भर देना चाहिए। मकानों में डीडीटी छिड़काव करना चाहिए। मिट्टी का तेल छिड़क देने से भी मलेरिया का जो मच्छर होता है वो मर जाता है। रात को सोते समय मसहरी का प्रयोग करने से भी मच्छरों से बचा जा सकता है। इतना सब करने पर भी यदि मलेरिया बुखार आ जाए और स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाए तो निकट के डॉक्टर से अपनी जांच करानी चाहिए। अच्छे बच्चों को इलाज कराने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। आशा है तुम अब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे और बीमार नहीं पड़ोगे। स्वस्थ रहकर ही अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया जा सकता है। तुम्हारी मामी तुम्हें आशीर्वाद लिख रही हैं। तुम्हारे मामा गोपाल चंद्र। तो ये क्या था, मामा का सुरेश के लिए पत्र था, जिसमें मलेरिया के बारे में जानकारी दी गई सुरेश को। तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया, 17 चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। Thank you.